यहाँ के लोकल जो शॉपकीपर है तो इनसे भी बातचीत करेंगे कि बर्फबारी से कुछ प्रभाव पड़ा है इनके बिजनेस पर, तो इनसे भी जान लेते हैं। तो कैसा फील हो रहा है आपको, चिनगांव में बर्फ पड़ी 1-1.5 फीट, तो क्या कहना चाहेंगे आप? फील अच्छा हो रहा है, ठंड भी बहुत ज्यादा है इसलिए मजा भी आ रहा है बर्फ में। अच्छा, मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो अभी सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी तो कैसा लग रहा है आपको देख के? ज्यादा कहाँ सर, अभी शुरुआत हुई है, बर्फ ही है। हमारे साथ दूसरे शख्स हैं, इनसे भी जानेंगे हम बर्फ के बारे में। तो क्या कहना चाहेंगे आप, अभी बर्फ हो रही है चिनगांव में, तो क्या रिएक्शन है आपका इस पे? बस सर ठीक है, अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। मजा आ रहा है, कैसा आनंद, मतलब कैसा फील हो रहा है अभी बर्फ पड़ रही है? अच्छा आनंद आ रहा है इसमें, बर्फ तो चाहिए हमें। अच्छा चाहिए, तो मजा आनंद है। अच्छा अच्छा, कहेंगे आप बर्फ के बारे में, कैसा रिएक्शन है आपका, कैसा फील हो रहा है? देखिए सर, बर्फबारी जो है कल दिन से जारी है, वो तकरीबन नादिरार से 1.5 फुट का बर्फ पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, लोग बहुत खुश है, झूम रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ परेशानियों का भी सबब बना है लोगों के लिए। न लाइट है, न पानी है, न बिजली है, न सर आप क्या कहना चाहेंगे बर्फ के बारे में, कैसा फील हो रहा है आपको भी बर्फ हो रही है यहाँ पे? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा और कुछ संदेश? बस और कोई संदेश नहीं, हम लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलात है। अच्छा, लेकिन मजा भी है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे शॉपकीपर है चिनगांव से, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप, बर्फबारी पड़ रही है तो कुछ असर पड़ा आपके बिजनेस पे? बहुत असर पड़ा, कोई कस्टमर नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है, क्या कहेंगे, हम बैठे हैं। अच्छा, तो रोजी रोटी ठप हो गई है। साथ यहाँ के लोकल शॉपकीपर है, तो क्या कहना चाहेंगे आपको, कुछ आपके बिजनेस पे थोड़ा सा असर पड़ा? असर तो होता है, जब बर्फ गिरेगा घर उनके बाहर नहीं निकलते हैं, तो अक्सर कस्टमर जो है वो तो काम होती जा रही है। अच्छा, तो मजा भी आ रहा है, पर लुत्फ उठा रहे हैं बर्फ का। सर क्या कहना चाहेंगे आप, बर्फबारी हो रही है तो क्या संदेश है आपके लोगों के लिए? और संदेश क्या है, संदेश तो यही है कि अपने अपने घरों में बैठे। अच्छा अच्छा, और अपने बाल बच्चों को अच्छी तरीके से संभाले, क्योंकि बाहर बर्फ का बहुत ही ज्यादा कहर बरस रहा है, इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि अपने अपने घरों में आराम से बैठे। सर आप एक शॉपकीपर भी है, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कुछ असर पड़ा है आपके बिजनेस पे? थोड़ा लोगों पे, जब कहीं किसी किसी रोड से कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं तो असर तो आएगा ही। चलो ठीक है, और मजा आ रहा है आपको, क्या कैसा फील हो रहा है अभी बर्फबारी? हमें बचपन से इस बर्फ का आ रहा है, तो अब मजा तो उसको आएगा, टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे तो वो देखेंगे तो उनको मजा आएगा, ताकि हमारे दुकानों को भी कुछ इमदाद हो सके, यानी कि कोई कस्टमर हमारे दुकान में भी। ये हमारे साथ ड्राइवर हजरात हैं, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप, बर्फबारी हो रही है तो? कुछ नहीं, रोड बंद है और क्या है। अच्छा, तो आपका बिजनेस भी ठप है? बिजनेस भी ठप है, बैठे हैं। तो मजा आ रहा है अभी बर्फबारी में? मजा ही मजा है। अच्छा चलिए ठीक है, घर में बैठे हैं आराम से। चलिए ठीक, लोकल शॉपकीपर है दीपक जी, इनको तो बखूबी सारे चिनगांव के निवासी जानते होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप, बर्फबारी हो रही है, क्या संदेश है आपके लिए, क्या देना चाहेंगे? बस हमारा संदेश तो कुछ नहीं है, ज्यादा बर्फबारी हो रही है, रास्ते बंद हो गए हैं, पानी आ रहा है, बहुत कुछ नहीं है, हमारा संदेश यही है कि थोड़ा कैसा मतलब फील हो रहा है आपको, मतलब अच्छा लग, कैसा? अच्छा ही लग रहा है, तो अब मौसम भी है, बर्फ भी आनी ही चाहिए, जरूरी है। बर्फ हो रही है तो कैसा फील हो रहा है आपको? बुरा ही फील हो रहा है, क्योंकि अगर जेसपी वेसपी आती है यहाँ से, थोड़ा कोई अगर प्रेग्नेंट हो या कोई बीमार हो जाए, तो हमारे यहाँ रोड को कोई देख नहीं रहा है।